हेलो गाइस, आप देख रहे हैं CG04 कार्स। तो भाई अभी मैं हूँ नेक्सा के शोरूम में। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं 2023 जो है इग्निस YN मिडनाइट ब्लैक एडिशन में जो है गाड़ी जो है इतनी प्यारी लग रही है। इसका जो स्टांस है अलग ही लुक आ गया है। इस गाड़ी का जो कलर चेंज होने के बाद ना भाई बहुत ही मजा। पहले से जो इसका काफी लुक्स भी जो है बहुत ही अच्छा लगता था, डिजाइन भी प्रॉपर मिलते थे इसमें आपको। लेकिन ब्लैक कलर में आने के बाद ना अभी देखना, जैसे कि अपन देखते थे टाटा हैरियर में ब्लैक एडिशन, सफारी में ब्लैक एडिशन, और महिंद्रा स्कॉर्पियो में ब्लैक कलर में, और सभी कंपनियां धीरे धीरे ना अपना एडिशन निकाल रही है। लेकिन मारुति भी जो है अपने एडिशन को निकाल रहा है। अभी ग्रैंड विटारा में ब्लैक एडिशन आपने देखा होगा, XL6 में देखा होगा, स्विफ्ट में देखा होगा, बलिनो में देखा होगा, अब इग्निस में भी आपने देखने को मिलेगा आज के वीडियो में। गाइस आज के वीडियो में पूरा फुल रिव्यू रहेगा इग्निस मिडनाइट ब्लैक एडिशन जेटा मॉडल। यार ब्लैक कलर की ना एक बढ़िया खास बात होती है, आपको ना जो चीज़ आप गाड़ी में फिनिशिंग देते हो ना, होम फिनिशिंग वगैरह लगाते हो ना, तो बहुत ही निखर के आता है वो चीज़। आप देख सकते हो कि डार्क कलर है सामने ब्लैक कलर में, ये जो क्रोम वर्क जितना भी किया गया है इतने मस्त तरीके से आ रहा है ये और निखर के। और ग्रिल जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि मैट फिनिशिंग में आपको दिया गया गाड़ी में। ब्लैक कलर की एक ही डीमेरिट है ओनली एंड ओनली, आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है धूल वगैरह जो है काफ़ी इसमें बैठ जाता है, वो आपको क्लीन वगैरह करना पड़ता है। रही बात सबसे पहले सामने मैं बात करता हूँ तो ये वाला अपना मॉडल है जेटा, और इसके ऊपर आता है अल्फा और अल्फा डुअल टोन। और जेटा में आप देख सकते हैं कि इसमें आपको प्रोजेक्टेड हेडलैम्प नहीं मिलेंगे, DRL नहीं मिलेंगे, नॉर्मल जो है रिफ्लेक्टेड हैलोजन लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पे फॉग लैंप और यहाँ पे बढ़िया सा सिल्वरिश फिनिशिंग में अंडरबॉडी बम्पर दिया गया है। और आते हैं साइड में, साइड में अगर मैं दिखाऊं तो गाड़ी में जो आपको 15 इंच का जेड ब्लैक कलर में अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो कि गाड़ी के साथ बहुत ही प्यारे निकल के आ रहे हैं। आपको मैं दिखा देता हूं, आप ये देख सकते हैं कि यहां पे जो है एक चीज़ ये गाड़ी की मेरे को खास लगती है, कॉम्पैक्ट के साथ साथ ना ये गाड़ी बहुत ही स्टाइलिश लगती है। क्योंकि अगर मैं 8-9 लाख के बजट में जाता हूँ तो मेरे को छोटी गाड़ी देखो तो i10 बलिनो वगैरह सब कुछ तो मिल जाती है, लेकिन इस साइज़ की जो गाड़ी है ना मार्केट में एग्जैक्ट फिट होती है, जिसकी वजह से ड्राइविंग प्लेजर और बढ़िया हो जाता है। अब आते हैं रियर की ओर। रियर में जाने से पहले तो क्वार्टर पैनल में अपन देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 3D टाइप के डिजाइन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये व्हील आर्च आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊं, आइए साइड में, साइड में आप देख सकते हैं सामने और बॉडी और व्हील आर्च में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। ऐसा लग रहा है आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील टाइप से बनाया गया, इस तरीके से डिजाइन किया गया। पहले स्टार्टिंग से जब इग्निस जो है ना मेरे को काफी पसंद आई है उसके डिजाइन और लुक्स के और कॉम्पैक्ट साइज की वजह से। ठीक है, अब आते हैं रियर लुक। रियर लुक में देखते हैं तो वाइपर, डिफॉगर और ये अपना स्पॉइलर है। उसी के साथ आपको नॉर्मल एंटीना देखने को मिल जाते हैं, हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे बढ़िया सा नेक्सा वाला स्टिकर आपको देखने को मिल जाता है गाड़ी में। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस अपन देख सकते हैं कि इसमें आपको 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है गाड़ी में। और यहाँ पे रियर बम्पर की बात करते हैं, यहाँ पे आपको सिल्वरिश फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आपको चार्जर पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाता है। गाड़ी में जो है रिवर्स कैमरा इसमें आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपको ऑनली मिलेगा इसमें अल्फा मॉडल में। अब देख सकते हैं इसमें आपको सुजुकी का जो लोगो है कितना प्यारा निकल के आ रहा है क्रोम फिनिशिंग में। अगर मैं दिखाऊँ इसका बूट, 260 लीटर का बूट आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और डीप भी अच्छा खासा है, और जो कि नॉर्मल साइज़ का जो बैग वगैरह इजीली आ जाएगा इसमें। आप देख सकते हैं कि रियर वाला जो सीट्स है 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। भाई जो 12 लाख की गाड़ी में सोनेट जैसी गाड़ी में आपको ऑप्शन नहीं मिलता स्प्लिट का, इसमें आपको स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फिट एंड फिनिशिंग की बात करूँ तो बहुत ही डिसेंट है, कोई भी ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पार्सल ट्रे वगैरह मिल जाता है बढ़िया इस तरीके से। ठीक, अब इसको बंद करते हैं गाड़ी को, सॉरी थोड़ा सा जोर से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको फॉन्ट के साथ बढ़िया से इग्निस की बैजिंग धुआंधार देखते हुए मिल जाएगी। यहाँ पे आपको हैलोजन रिफ्लेक्टेड जो है टेल लैंप देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 32 लीटर का पेट्रोल टैंक देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी में। डोर हैंडल्स की मैं बात करूँ ना भाई, आप देख सकते हैं कि दोनों साइड आपको रिक्वायर सेंसर देखने को मिल जाएगा। चाबी की बात करते हो एज यूजुअल वही ग्रैंड विटारा जो कि मारुति या नेक्सा की सभी गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाता है। रिक्वेस्ट सेंसर, ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा, दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाती है। उसी के साथ डोर हैंडल भी ब्लैक फिनिशिंग में बढ़िया मिल रहा है, और जो मैच कर रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये मैच कर रहा है रूफ रेल के साथ, और दोनों ही सिल्वर फिनिशिंग में रूफ रेल है, बहुत ही प्यारा है। यार ब्लैक कलर में आप दिखाऊँ, थोड़ा सा दूर से दिखाऊँ तो गाड़ी इसका जो स्टांस है ना काफ़ी बढ़िया निकल के आ रहा है। इसका स्टांस अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मेरा हाइट ये है,
और गाड़ी इतनी छोटी सी है, इजीली मैं इसके पूरे बॉडी के ऊपर हाथ रख के यहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ। ये ऐसा कुछ सिस्टम है। साइड का लुक ऐसा है। हाँ, अब मैं आता हूँ फ्रंट में, आपको डिस्क और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। ठीक, अंदर चलेंगे, थोड़ा सा सब्र करो। अंदर में और भी प्यारा चीज निकल के आ रहा है, जो बाहर से और अंदर से ना कलर की वजह से गाड़ी का पूरा लुक और स्टांस बदल जाता है गाड़ी में। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गाड़ी का। आप देख सकते हैं कि डोर पैनल्स में अब नीचे में एक लाइन सा बढ़िया सा क्रोम फिनिशिंग दिया गया है। ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को। जब गाड़ी में क्रोम वर्क जो बहुत मिनिमलिस्टिक होता है ना, गाड़ी का एक्चुअल रूप देखा जाता है, और बहुत ज़्यादा क्रोम फिनिशिंग भर देने से ना गाड़ी का लुक ही खत्म हो जाता है। ये चीज़ बहुत माइंड में रखना, कभी भी आप क्रोम फिनिशिंग का काम करवाते हैं तो गाड़ी में। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की ओर। इसमें आपको बेज और ब्लैक कलर में इंटीरियर देखने को मिल जाता है, और स्टाइलिश डोर हैंडल देखने को मिल जाता है। भाई ये चीज़ अभी तक की प्रीमियम गाड़ी में भी आपको नहीं मिलता है। इंजन के कंट्रोल्स और विंडोज़ के कंट्रोल दिए गए हैं ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर फिनिशिंग में डोर ओपनर दिया गया है। यहाँ पे आपको स्पीकर का प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर और यहाँ पे छोटा सा स्पेस दिया गया है। इसी की बात करूँ तो अभी तक मैंने ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नेक्सा की कोई भी गाड़ी में नहीं देखा है। मैं इसी से कंप्लीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ना, अगर मैं आपको दिखाऊँ, बहुत ही प्यारा ऐसे ऑन होके आ रहा है गाड़ी। ये देख रहे हैं ऐसा इग्निशन ऐसा ऑन हुआ है, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बहुत ही प्यारा लगा भाई मेरे को। यहाँ पे आपको डिसेंट साइज का बड़ा सा यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिया गया है। उसी के साथ यहाँ पे आपको RPM और जो है क्या बोलते हैं कि स्पीडोमीटर दिया गया है, जो कि सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके कंट्रोल की मैं बात करूँ, आप यहाँ से ट्रिप सेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन अगर सब कुछ सेट कर सकते हैं, और इसके ब्राइटनेस लेवल को यहीं से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ मेरे को बहुत ही प्यारा लगा। 7 इंच का जो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम दिया गया है डिस्प्ले के साथ, जो कि सपोर्ट करते हैं एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह। अब बंद करते हैं। यहाँ पे आपको डिसेंट साइज के AC वेंट चक्र दिए गए हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे को प्यारा लगा। ये आपको गोल साइज के जो है AC वेंट्स दोनों साइड में मिलते हैं। सेंटर में आपको ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में। तो भाई इस गाड़ी में आपको टोटल जो है 2 एयरबैग मिलते हैं। इसमें आपको 4 स्पीकर का सेटअप देखने को मिल जाता है विद ट्विटर के साथ। स्पीकर की बात करूँ तो काफी डिसेंट है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ग्लव बॉक्स का जो साइज है काफी यहाँ पे आपको बड़ा मिल जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैबलेट के लिए भी जो सेक्शन है अलग से दिया गया है। ऐसा कुछ बढ़िया स्पेशियस यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि को ड्राइवर सीट में भाई सीटिंग जो क्वालिटी है ना बहुत ही है। बड़े बड़े सीट्स और चौड़े चौड़े यहाँ पे आपको सीट जो है देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अंडर थाई सपोर्ट और यहाँ पे जो बैक सपोर्ट है काफी बढ़िया निकल के आता है। ऐसे आपको जो है काफी बड़े बड़े देखने को मिल जाते हैं। ये गाड़ी छोटी लग रही है लेकिन इतनी स्पेशियस है ना, मैं क्या बताऊं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इतनी छोटी सी गाड़ी में बैठा हूँ। यहाँ पे अगर बात करते हो सन वाइजर में कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता, ऑनली टिकट होल्डर, और यहाँ पे नाइट लैंप में आप देख सकते हैं कि हेलोजन दिया गया है, और इसी के साथ यहाँ पे आपको जो है वैनिटी मिरर को ड्राइवर में दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैब हैंडल वगैरह दिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से, और जो भाई फिट एंड फिनिशिंग है ना इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहा है। यहाँ पे आपको वही मारुति का 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है, कप होल्डर और छोटा सा स्पेस, 12 वोल्ट का सॉकेट, और यहाँ पे आपको USB सॉकेट वगैरह दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मस्त तरीके से सिल्वरिश फिनिशिंग में यहाँ पे फिनिशिंग दिया गया है, छोटा सा स्पेस, हैंड ब्रेक, और यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है गाड़ी में। ठीक, और जैसे कि अपन जानते हैं भाइयों, ये अपना टॉप मॉडल नहीं है, जेटा वेरिएंट है। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा, मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ देखने को मिल जाता है। ये रहा फ्रंट का पार्ट, अब चलते हैं रियर में। रियर में देखते हैं कि कितना स्पेस वगैरह मिल जाता है छोटी सी गाड़ी में। आप देखिए रियर का जो डोर ओपन होने के बाद ना काफी यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, पूरा का पूरा जो है आपका ऑलमोस्ट 90 डिग्री जो है डोर ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से एंटरिंग जो एंटर करने का जो अप्रोच है ना काफी वाइड आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैं बैठता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा फुल सीट है, इसके बाद भी मेरा जो पैर है बिल्कुल टच नहीं हो रहा है। अगर आपका हाइट ज़्यादा है तो आपको कहीं ना कहीं टच हो सकता है, लेकिन जो कि आपको अंडर थाई जो सपोर्ट है वो आपको इस गाड़ी में रियर की सीट्स में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि अपन देख रहे हैं मैं बैठा हूँ, और यहाँ पे आपको 2 एडल्ट इजीली बैठेंगे विद 1 किड। ठीक, यहाँ पे 3 एडल्ट, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा कंजेस्टेड हो सकता है, जो कि यहाँ पे बड़े बड़े हेडरेस्ट जो मिल जाते हैं इसकी वजह से आपको जर्नी भी कम्फर्ट है। थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो पीछे का वाला सीट है टेकने का, इसमें थोड़ा सा रिक्लाइन और करना था, जिसकी वजह से जो है सीटिंग पोस्चर और भी कंफर्टेबल हो जाता। ठीक, ये रहा रियर के डोर में आप देख सकते हैं कि छोटा सा ओनली बॉटल होल्डर दिया गया है, और यहाँ पे आपको विंडोज के कंट्रोल दिए गए, स्पीकर का सेटअप आपको ऐसा कुछ
तो ये रहा भाई इग्निस का रियर वाला इंटीरियर। अब चलते गाड़ी के मेन परफॉर्मेंस में। ये है भाई 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 82 bhp और 113 nm टॉर्क। ये है मारुति का इंजन इग्निस का। ये आपको ऐसा इंसुलेशन अगर प्रॉपर किया गया है इस तरीके से, ठीक है। अब करते हैं इसको बंद। तो ठीक है गाइस, होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। ब्लैक एडिशन इग्निस हमने देखा है आज के वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाड़ी का स्टांस कैसा लग रहा है ब्लैक कलर में, और इस गाड़ी का जो है ड्राइव इंप्रेशन और ओनरशिप रिव्यू भी बहुत जल्दी करने वाला हूँ मैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।